इंद्री के सरकारी अस्पताल में आज डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों की ओर से आशा वर्कर व स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना महामारी में की जा रही उनकी बेहतरीन सेवाओं के चलते सम्मानित किया गया। इस मौके पर लगभग 115 स्वास्थ्य कर्मियों व आशा वर्करों को सम्मानित किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए इंद्री डेरा सच्चा सौदा के प्रभारी मनमोहन ने बताया कि ग्रीन वेलफेयर फोर्स जो कि शाह सतनाम जी वेलफेयर फोर्स के नाम से जानी जाती है, इसके द्वारा 135 मानवता भलाई के लिए कार्य किए जाते हैं। इसी कड़ी में आज इंद्री ब्लॉक कार्यरत लगभग 115 आशा वर्करों व स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना महामारी में उनके द्वारा दिए जा रहे सहयोग के लिए सम्मानित किया जा रहा है। कोरोना महामारी में चिकित्सकों व आशा वर्करों व स्वास्थ्य कर्मियों ने दिन रात एक करके अपने परिवारों की चिंता ना करते हुए लोगों की सेवा की है। ऐसे में इनकी इम्यूनिटी बरकरार रखने के लिए फ्रूट किट व नींबू पानी इत्यादि की सेवा डेरा की ओर से की जा रही है। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी सरकारी अस्पताल व इंद्री थाना को सैनिटाइज करने का काम भी किया गया था। सेवादार राजकुमार ने बताया कि ग्रीन वेलफेयर फोर्स के वॉलंटियर्स की ओर से यह सेवा कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 29 अप्रैल स्थापना दिवस पर गुरु जी की ओर से यह संदेश मिला था कि कोरोना महामारी में देश व समाज के लिए अपनी सेवाएं देने वालों की ओर से देखभाल करनी है और इस कड़ी में ये सेवा के कार्य किए जा रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। पूरी तरह से कर पाए तो उज्जय पिताजी ने, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम जी ओसा जी ने आप लोगों के लिए फ्रूट वगैरह आपके फ्रूट वगैरह भेजा है जी, जिसमें आपको एक नींबू पानी तक भी दिया है ताकि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। और सतगुरु की तरफ से कामना यही है कि आप जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो आपने बीमारों के घर भी जाते हैं, तो मालिक से प्रार्थना यही की है कि आप लोगों को कोरोना ना हो और उसके लिए जो विटामिन सी है, विटामिन है, जो फ्रूट वगैरह आपको देकर सम्मानित किया जाएगा जी। ये हमारे डेरा सच्चा सौदा के सेवादार हैं तो ये आप सभी को डॉक्टर जी एक छोटी सी भेंट है आप लोगों के लिए, आपके सम्मान के लिए। तो वैसे हम सभी जितने भी हमारे ग्रीनर्स के मेंबर के सदस्य आए हैं तो आप सभी को आपके कार्यों के लिए सैल्यूट करते हैं जी। तो सर, तो अभी कार्रवाई शुरू होगी जी, तो डॉक्टर साहब कार्रवाई शुरू करेंगे। आप अपने आज इंद्री सिविल हॉस्पिटल में डेरा सच्चा सौदा की टीम जो ग्रीनस वेलफेयर फोर्स है, जो शाह सतनाम जी वेलफेयर के नाम से जानी जाती है, यह 135 मानवता भलाई के कार्य करती है। तो इसमें मानवता भलाई के कार्य किए जाते हैं। तो जिस तरह से आपको पता है कि कोरोना आजकल बहुत फैला हुआ है और कोरोना में जो डॉक्टरों की जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं और जो आशा वर्कर हैं जो घर घर जाकर गांव-गांव जाकर डाटा कलेक्ट करते हैं और जो कोई बीमार होता है तो उनका डाटा कलेक्ट करके यहाँ पर हॉस्पिटल में देते हैं, तो आज यहाँ पर ग्रीनस वेलफेयर इंद्री की तरफ से, इंद्री करनाल की तरफ से यहाँ पर 115 आशा वर्कर को उनके सम्मान के लिए, जैसा कि पूज्य पिताजी के वचनों के अनुसार जो उन्होंने हमारे को आदेश दिया कि आपने कोरोना वॉरियर्स की आपने संभाल करनी है और उनको उचित सम्मान देना है, उनको फल फ्रूट देकर, नींबू पानी देकर, ताकि उनकी इम्यूनिटी बरकरार रहे और एक प्रकार से एक मोटिवेशन मिले कि किस तरह से, ताकि वो उनको सेवा करने का जज्बा मिले। और तो आज इंद्री सिविल हॉस्पिटल में ग्रीनस वेलफेयर फोर्स हमारे साथ, हमारे 45 मेंबर रोशन जी हैं, राजकुमार जी हैं और हमारे साथ 100 से ज़्यादा टीम है जो यहाँ पर ग्रीनस वेलफेयर फोर्स की, तो वो यहाँ पर सभी कोरोना वॉरियर्स को इन्होंने यहाँ पर इंद्री हॉस्पिटल में सम्मानित किया और सैल्यूट भी किया जी। इससे पहले भी डॉक्टरों को सम्मानित किया गया था, क्या क्या कार्यक्रम? हाँ जी, दो हफ्ता पहले इंद्री में सभी डॉक्टर्स, जितने भी डॉक्टर का स्टाफ था, 250 एक स्टाफ था जिसमें सभी जो भी स्टाफ था, तो उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया था। उनको भी फ्रूट्स वगैरह इसी तरह जिस तरह से आज किटें वगैरह दी गई हैं वो भी किया गया। और उसके बाद एक और ड्राइव चलाई गई हमारी, सैनिटाइजेशन किया गया पूरे हॉस्पिटल का और पुलिस स्टेशन में भी सैनिटाइजेशन किया गया जी। तो एक प्रकार से ये मानवता भलाई के लिए, ताकि किसी को कोई बीमार ना पड़े। इस
मेरा नाम राजकुमार, गांव रायतखाना से है जी, और ये अपने सभी शास्त्र नाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स के वॉलंटियर डेरा सच्चा सौदा से हैं, जो दिन रात मानवता भलाई के कार्य ही करते रहते हैं। आप सभी से भरी पूर्ण से व्याक से हैं, जान पहचान वाले ही हैं सभी। तो इसमें हमारे गुरुजी का पत्र आया था हमारे पास 29 अप्रैल को, जो स्थापना दिवस डेरे में 29 अप्रैल को मनाया जाता है। उस दिन गुरुजी का पत्र आया था भी जो ये कोरोना की महामारी चल रही है, इसमें हमारे डॉक्टर हैं, पुलिस वाले भाई हैं, एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं, जो अपने परिवार की ना ख्याल रखते हुए अपने परिवार को छोड़कर देश की समाज की सेवा कर रहे हैं। तो गुरुजी ने हमें आदेश किया था, आपने इन कोरोना वॉरियर्स की सार संभाल करनी है, इनको घर घर जा कर के नींबू पानी वगैरह या फ्रूट की किटें, जिससे इनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ी रहे और ये समाज के जो सेवा कर रहे हैं उसमें दिन रात चलते रहे। हाँ जी, क्या कार्यक्रम था दिया जी? आज हमें दन दन सतगुरु की तरफ से पूरी आशा वर्कर यानी कि इंद्री ब्लॉक की जितनी भी आशा वर्कर थी, उन्होंने फ्रूट देकर सम्मानित किया कोरोना योद्धा के नाम पे, और बोला गया भी जितनी इनको विटामिन सी डी जितनी इन्होंने एनर्जी वेस्ट की, इनकी एनर्जी इस फ्रूट से इनको वापस मिलेगी, और हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, उन्होंने हमें सम्मानित किया। आगे जैसे आने वाले दौर में आशा वर्कर बढ़ चढ़ कर तो पहले भी काम करी थी और अब भी आगे भी ऐसे ही काम करेंगे। बस आज का प्रोग्राम क्या है? आज हमारे CSC इंद्री हॉस्पिटल में डेरा सच्चा सौदा के आए हैं लोग, जिन्होंने पहले डॉक्टर टीम को जो हमारे फ्रंट वॉरियर हैं, कोरोना वॉरियर हैं, और अब जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं हमारी आशाएं, जो घर घर जाकर अपना योगदान दे रही हैं कोरोना में, उनके लिए ये कुछ फ्रूट्स लेके आए हैं सम्मान में, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, और बहुत अच्छी इनकी शुरुआत है, और इनसे हम मोटिवेट होते हैं, हम कोरोना वॉरियर्स जो ग्राउंड लेवल से ऊपर तक जो भी हम काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। गेटेड सोसाइटी, सड़क सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।